आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आपके बीएड फर्स्ट ईयर का पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश। आपकी जो यूनिट चल रही है वो आपकी क्या है, कौन सी है, फर्स्ट यूनिट चल रही है। और फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़ चुके थे वो था आपका प्लेस ऑफ वेरियस लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा भारतीय संविधान था उसके अंदर जो इंग्लिश है या वेरियस जो लैंग्वेजेस है यानी विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं उनकी क्या स्थिति थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर्स ग्रेस्ड हिंदी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, जो हिंदी को है वो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा गया। और 351 जो सॉरी जो आपका आर्टिकल 343 था उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्टेटेड दिया जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर ये बताया था कि जो लैंग्वेज ऑफ इंडियन इंडियन की जो लैंग्वेज होगी वो यूनियन की जो लैंग्वेज होगी उसको हिंदी को कहा गया, जिसकी स्क्रिप्ट आपकी देवनागरी। उसके अलावा फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 15 ईयर्स ऑल द स्टेट ऑफिशियल वर्क विल बी हेल्ड इन या विल बी डन इन इंग्लिश, यानी कि जो भी ऑफिशियल वर्क जो होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश में, पर जो आपकी यूनियन जो लैंग्वेज बताई गई है इंडियंस की वो हिंदी बताई गई है। तो 343 आर्टिकल्स के अंदर आपको बताया गया है, ये बात आप याद रखना, 343 आर्टिकल जो था उसके अंदर हिंदी को इंडियंस की यूनियन लैंग्वेज बताया गया, साथ ही साथ जो भी स्टेट लेवल के या ऑफिशियल जो वर्क होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956 के बारे में बताया था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो थे सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड कमिटीज अबाउट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज हमारी भाषा को जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कमिटीज और विभिन्न प्रकार के जो कमीशन है उन्होंने अपने क्या सुझाव दिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी कमिटी है वो है डॉक्टर ताराचंद कमिटी 1948। डॉक्टर ताराचंद कमिटी 1948 में जो हमारी डॉक्टर ताराचंद कमेटी है उन्होंने लैंग्वेज को लेकर क्या कहा, उन्होंने कहा आफ्टर द सीनियर प्राइमरी लेवल, यानी जो हमारा सीनियर प्राइमरी लेवल है वो निकलने के बाद में अलोंग विद द स्टडी ऑफ मदर टंग यूनियन लैंग्वेज शुड बी मेड कंपल्सरी, यानी कि जो आपका सीनियर प्राइमरी लेवल है उसके अंदर जो मदर टंग है उसको शुड बी मेड कंपल्सरी, उसको कंपल्सरी बनाना चाहिए। इन सच पोजिशन रिकमेंडेशन वॉज मेड टू मेक कंपल्सरी द स्टडी ऑफ टू लैंग्वेज, और जो दो लैंग्वेज हमारी हिंदी इंग्लिश उनको भी कंपल्सरी बनाना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी मेड कंपल्सरी एज ए यूनियन लैंग्वेज, और इंग्लिश को उस लेवल पर डॉक्टर ताराचंद कमेटी 1948 ने कहा कि जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी कंपल्सरी बनाना चाहिए एज अ यूनियन लैंग्वेज। ये डॉक्टर ताराचंद कमेटी द्वारा बताया गया था, जिसके अंदर मदर टंग को कंपल्सरी बताया गया है, कंपल्सरी कहा गया है, और इंग्लिश को यूनियन लैंग्वेज की तरह कंपल्सरी बनाने का सुझाव दिया गया। दूसरा सुझाव जो हमारे पास दूसरा कमीशन जो था वो था डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन 1948। दूसरा जो हमारा कमीशन है वो है डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन 1948। अब डॉक्टर राधाचंद जो है उन्होंने इस कमीशन के अंदर हमारी जो लैंग्वेज से संबंधित क्या सुझाव दिए उसके बारे में हम बताएंगे। तो इन्होंने जो किया था वो ट्राई लैंग्वेज जो फॉर्मूला हमारा ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला जिसे कि हम हिंदी में त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं उस पर जोर दिया। तो त्रिभाषा सूत्र के अंदर उन्होंने क्या बताया, कौन कौन सी भाषा को, सबसे पहले उन्होंने बताया रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। इन्होंने पहली बताई हमारी रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग, पहली जो भाषा इनकी है, ठीक है। मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा। दूसरा जो है हमारा वो लैंग्वेज उन्होंने बताया यूनियन लैंग्वेज और मदर टंग। यूनियन इस जगह हम यूनियन मदर भी सॉरी यूनियन लैंग्वेज भी ले सकते हैं और मदर टंग भी, क्योंकि और एमटी यानी मदर टंग। जैसे कि डॉक्टर ताराचंद कमीशन कमेटी ने बताया था
कि जो यूनियन लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश को भी बताई और हिंदी को भी बताई है, तो यहाँ पर यूनियन लैंग्वेज हम इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी तीसरी जो बताई उन्होंने वो बताई है हमारी इंग्लिश। ये उनका त्रिभाषा सूत्र था। इन तीन भाषाओं पर उन्होंने ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें जिसमें तीन भाषाओं का उपयोग किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एक तो रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग, यूनियन लैंग्वेज या फिर मदर टंग, और तीसरी आपकी भाषा को लिया उन्होंने इंग्लिश। तो इन तीनों भाषाओं को ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर स्थान दिया गया और इसी पर उन्होंने जोर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा मुदालियर कमीशन 1952। नेक्स्ट है हमारा मुदालियर कमीशन 1952। अब मुदालियर कमीशन ने क्या बताया है कि मेकिंग इफर्ट इन रिजॉल्विंग द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग स्टडी ऑफ लैंग्वेज, डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर हैज रिटन। इनका पूरा नाम था डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर, जो उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट देखे, जो प्रतिक्रिया देखी, जो उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल रिगार्डिंग स्टडी को लेके जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखे उसको लेते हुए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने लिखा, जनरली दिस हैज़ बीन एडमिटेड दैट मदर टंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम। यानी उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से हम यदि देखते हैं तो जो मातृभाषा है वो सबसे अच्छा माध्यम है हमारे स्टडी के अंदर। दैट शुड बी यूज इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसलिए ये सबसे अच्छा माध्यम है सामान्य रूप से देखा जाए मदर टंग, तो हमें सबसे पहले जो हम विद्यार्थियों को जो पढ़ाना शुरू करते हैं, जब वो स्टार्टिंग करते हैं, जब पहली बार विद्यालय आते हैं, तो उसमें हमें मदर टंग का ही यूज़ करना चाहिए। मुदालियर कमीशन हैज़ एसेंट्रेटेड दैट बायलिंगुअल फार्मूला अकॉर्डिंग टू डीज अर्थ सेकेंडरी लेवल इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी। उन्होंने जो मुदालियर थे, लक्ष्मण मुदालियर ने आपके बायलिंगुअल मेथड पे भी जोर दिया। बायलिंगुअल मेथड का मतलब है कि दो भाषाओं में अध्ययन कराना, यानी जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाते वक्त हम जब उनको समझाएंगे तो वो हमारा समझाने का माध्यम, अनुदेशन का माध्यम हिंदी ही होगा, उसको हम बायलिंगुअल मेथड भी कहते हैं, जो कि आपके आगे आएगा भी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी स्टडी के अंदर टू लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, उन्होंने टू लैंग्वेजेस पे फोकस किया। यदि आप ये लैंग्वेज लेते तो ये लेनी है, तो कौन सी लैंग्वेज, मैं आपको बताती हूँ। पहले ही उन्होंने मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, वन क्लासिकल लैंग्वेज, या तो आप मदर टंग लीजिए या रीजनल लैंग्वेज लीजिए, या फिर आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको आपको आपके करिकुलम में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया, चॉइस ऑफ एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब आपके पास में इन्होंने फॉलोइंग ग्रुप्स बताया, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी लैंग्वेज आपको पढ़नी चाहिए या कौन सी आपके लिए अप्रोप्रिएट है। हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग चिल्ड्रन, हिंदी को वहाँ पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पर हिंदी का नॉलेज होना ज़रूरी है मुदालियर कमीशन के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा उन्होंने लिया, बी पार्ट बताया उन्होंने, प्राइमरी इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड अडअप द सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी इंग्लिश उनको देना चाहिए जिन्होंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंग्लिश को नहीं पढ़ी है। हाई इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड प्राइमरी इंग्लिश, और हाई इंग्लिश लेवल हमें लेना चाहिए वहाँ पर जिन्होंने प्राइमरी क्लासेस में इंग्लिश को पढ़ लिया हो। फिर से मैं आपको बताती हूँ, प्राइमरी इंग्लिश वहाँ पर लेनी है जहाँ पर स्टार्टिंग में भी विद्यार्थियों ने इंग्लिश को नहीं पढ़ा, और हाई इंग्लिश हमको वहाँ पर लेनी है जहाँ पर विद्यार्थियों ने ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस से ही इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया हो। दूसरा है हमारा डी जो बनाया उन्होंने, वन अदर इंडियन लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी, हिंदी को छोड़ के कोई भी एक हमारी भारतीय भाषा को प्रावधान देना चाहिए। वन अदर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, और इसके अलावा एक हमें एक फॉरेन लैंग्वेज को भी हमारे करिकुलम में शामिल करना चाहिए। तो ये जो था हमारा मुदालियर कमीशन था। उसके बाद हमारा इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1962। इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1962, और इन्होंने भी क्या किया, ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला पर जोर दिया, जिस तरह से डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन 1948 में दिया गया था, उसी प्रकार से इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी ने 1962 में जो बनी थी उन्होंने भी ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला पर जोर दिया। और ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला में मैंने आपको तीनों लैंग्वेज बता दिए, रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग, यूनियन लैंग्वेज और मदर टंग, और इंग्लिश। तो आज जो हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के जो हमारे वेरियस जो स्टेटमेंट दिए कमिटीज़ ने, कमीशन ने लैंग्वेज को लेके, उसके बारे में आज हमने पढ़ा था। यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।